मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ज्योतिष व आयुर्वेद के बीच परस्पर गहरा संबंध है। ये दोनों प्राचीनतम भारतीय ज्ञान परंपरा की धाती हैं। सरकार इस भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने को हर संभव प्रयास कर रही है। आयुर्वेद व ज्योतिष के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने के लिए नए संस्थान खोले जा रहे हैं। गोरखपुर में महायोगी गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय और वाराणसी में वेद विज्ञान केंद्र की स्थापना इसी की कड़ी है। सीएम योगी शनिवार शाम गोरखपुर में एक मीडिया संस्थान की तरफ से आयोजित ज्योतिष एवं आयुर्वेद महासमागम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आयुर्वेद एवं ज्योतिष के परस्पर संबंधों का उल्लेख करते हुए कहा कि हमारी भारतीय मनीषा में वनस्पतियों से औषधि एकत्र करने और औषधियों को रोगी को देने का भी मुहूर्त तय होता है। इस संबंध में उन्होंने अपने गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ के इलाज से जुड़ा एक संस्मरण भी सुनाया। साथ ही रामायण के प्रसंग का उल्लेख करते हुए कहा कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए थे तो उन्होंने भी वैद्य सुसेन से विशेष मुहूर्त का ज्ञान कराया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुर्वेद और ज्योतिष के अपने प्राचीनतम ज्ञान की जब हम अपने अनदेखी की तो हम पिछड़ने लगे। हमने आयुर्वेद को दवा की पुड़िया तथा ज्योतिष को भाग्य देखने तक सीमित कर दिया। सीएम ने कहा कि हमारी भारतीय मनीषा कर्म प्रधान है। कर्म सकारात्मक होगा तो भाग्य प्रबल होता जाएगा। आज दुनिया हमारी परंपरा व विद्या के रूप में भारतीय मनीषा की ज्योतिष आयुर्वेद आदि विधाओं के बारे में जानने को उत्सुक है। सीएम योगी ने कहा कि जब सकारात्मक शक्तियां एक साथ मिलकर काम करती हैं तो परिणाम भी सकारात्मक आता है। 21 जून को मनाया जाने वाला विश्व योग दिवस इसका उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग के हमारे प्राचीन ज्ञान को वैश्विक मंच पर सम्मान दिलाया है। सकारात्मकता के साथ 2019 में हुआ प्रयागराज कुंभ का आयोजन स्वच्छता व सुव्यवस्था का पर्याय बना। अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर के रूप में इसे यूनेस्को से मान्यता मिली। अपनी प्राचीनतम ज्ञान की थाती को हमें इसी सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ाना होगा। मुख्यमंत्री ने कोरोना प्रबंधन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हुए कार्य की सराहना करते हुए कहा कि यूरोप और अमेरिका की तुलना में कमजोर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद भारत का कोरोना प्रबंधन विश्व में सर्वश्रेष्ठ रहा। भारत का कोरोना प्रबंधन दुनिया के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। अमेरिका की आबादी भारत की चौथाई है, फिर भी वहां अपने देश की तुलना में दोगुनी मौतें हुईं। भारत ने न केवल वैश्विक महामारी का सफल नियंत्रण किया बल्कि महामारी के दौरान किसी भी व्यक्ति की मौत भूख से नहीं होने दी। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई। यही नहीं, मुफ्त जांच, इलाज व वैक्सीन की सुविधा देने वाला भारत दुनिया का एकलौता देश है। तो पारंगत होने में जब हम बात करते हैं ज्योतिष और आयुर्वेद की, यह भी इसी अपरा विद्या का ही भाग है, उससे अलग नहीं है। और उस अपरा विद्या का भाग होने के नाते हम जब इसकी जानकारी रखते हैं, इसके बारे में जानकारी रखेंगे, इसमें पारंगत होंगे, तो ही पराविद्या में हम पारंगत हो पाएंगे, यानी अध्यात्म में हम पारंगत हो पाएंगे। ब्रह्म विद्या की जानकारी हमें हो पाएगी और ब्रह्म विषय रहस्यों को समझने और जानने की ताकत हमारे अंदर पैदा हो पाएगी। गोरखपुर इस दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी की पावन साधना स्थली है। अध्यात्म के क्षेत्र में उन्होंने कितने रहस्य दिए, आज भी सामान्य लोगों के लिए वही रहस्य बहुत और आश्चर्य का विषय में डाल देते हैं, लेकिन जिसने उस विषय को पूर्ण अध्ययन किया है, उस विषय के बारे में जाना है, वह वाहिनी गोरखनाथ को ही जान लेता है। परंपरा विद्या की भूमि भी गोरखपुर है और संयोग से अभी यहां पर अमर उजाला के संपादक से हरिश्चंद जी कह रहे थे कि गोरखपुर में ये होना चाहिए, होना चाहिए, होना नहीं चाहिए, वो पहले ही हो चुका है। लोगों ने गोरखपुर में महायोगी गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय भी दे दिया है और इसका सत्र इसी सत्र में प्रारंभ होने जा रहा है। यानी हम पराविद्या पर तो पहले से कार्य कर रहे थे, लेकिन पराविद्या सामान्य व्यक्ति के लिए थोड़ा कठिन जरूर होगा। यद्यपि भारत के लोगों के लिए
लिए बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि हम तो जन्म से ही उसके साथ जुड़े होते हैं। हमारे यहां तो जन्म से ही हमें यह माना जाता है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलो अनौषध है, यानी यहां हम ही लोग बोल सकते हैं, दुनिया में कोई और नहीं बोल सकता है। हमने हर अक्षर को मंत्र माना है, हमने हर वनस्पति को औषधि के रूप में माना है, और लेकिन उस पराविद्या के बारे में जानकारी देने के लिए, यानी उस भौतिक ज्ञान, उस आध्यात्मिक ज्ञान की जानकारी देने के लिए हमें अपराविद्या में जाना पड़ेगा, और अपराविद्या के लिए ही ये सारे साधन उपलब्ध कराए गए हैं। भारत में शिक्षा की जितनी व्यवस्थाएं हैं, जितना कुछ भी है, ये सब इन्हीं सब बातों को लेकर के प्रस्तुत की गई है। स्वाभाविक रूप से इस क्षेत्र में जब हम लोगों ने, हमारे जितने भी आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथ हैं, इन सभी प्राचीन ग्रंथों में आयुर्वेद की जब चर्चा होगी, तो आयुर्वेद के साथ ज्योतिष को भी कहीं ना कहीं जोड़ करके उसके साथ जोड़ा गया है। लेकिन जब हमने उसकी अनदेखी की, तो क्या स्थिति हुई, हम पिछड़ते गए, हम उससे हटते गए, और क्या हो गया, आयुर्वेद को केवल हम लोगों ने पूर्णिया तक सीमित कर दिया, और ज्योतिष को केवल अपने भाग्य को देखने तक सीमित कर दिया। कौन ऐसा भारतीय परिवार है जो अपनी आप कोई भी मानसिक कार्यक्रम अंग्रेजी लिपि से करता हो? कोई नहीं करता। सभी लोग पंचांग देखते हैं, पंचांग के बगैर अपने आप कोई भी शुभ मानसिक मुहूर्त नहीं निकालता। उसने अपने भाग्य को देखने के लिए नहीं किया। आज होता क्या है, हम केवल अपने भाग्य को देखने के लिए ज्योतिष का सहारा देते हैं, और बाकी अपने यहां जब अवसर पड़ता है, तो अवसर आने पर फिर हम लोग मुहूर्त देखने के लिए ज्योतिषाचार्य के पीछे भागते हैं कि कब हमारे यहां एक मुहूर्त पड़ेगा, जबकि सारे कार्य, सारे पद, सारे त्यौहार, सारे मांगलिक कार्यक्रम, ये सभी हमारे पंचांग की तिथि के अनुसार ही होते हैं। ज्योतिष की द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार ही हम आयोजन करते हैं, उस मुहूर्त में उसको आयोजन करते हैं। आप देखते नहीं, कभी कभी अंग्रेजी तिथि में और हमारी पंचांग की तिथि में यही अंतर आता है, क्योंकि वहां तो उनका एक सीधे चलावा रहता है, वहां कोई प्रेकर नहीं है, वहां उनको इन सब चीजों से मतलब नहीं, उनको ग्रह नक्षत्र से कोई मतलब नहीं है। उनके लिए तो ये हो सकता है कि साहब अगर पूर्णिमा आज 16 अप्रैल को हो गई, तो अगली बार भी वह अंग्रेजी तिथि में 16 अप्रैल को ही पूर्णिमा को ढूंढने का प्रयास करेंगे। ऐसा हमारे यहां नहीं है। हमारे यहां उसका लग्न है, उसका मुहूर्त है, और ये लग्न है इसका भी संबंध है। आयुर्वेद के साथ अगर आप देखेंगे, एक मनुष्य के लिए लग्न का, सूर्य का और चंद्रमा का बड़ा महत्व होता है, ये ज्योतिष का पाठ है। और आयुर्वेद का क्या है, प्रकृति के तीन गुण हैं, सत, रज और तम, वात्विक और तम। आयुर्वेद क्या कहता है, इन तीन में जब विषमता होती है तो व्यक्ति में नकारात्मकता पैदा होती है और वह रुग्ण होता है, रोगी होता है। ज्योतिष क्या कहता है, लग्न सूर्य और चंद्रमा में जब भी नकारात्मकता होगी तो कुछ अघटित होने वाला है, ऐसा घटित होने वाला है जो दुर्घटना का कारण बनेगा, उसके लिए सुख नहीं होगा, मनुष्य के लिए सुख नहीं होगा। यानी ये एक दूसरे से अपने आप को जोड़ते हैं, लेकिन हमने इसमें शोध के उन अवसरों पर जितने चिंता व्यक्त की थी, कि व्यक्त की है श्री हरिश्चंद्र जी ने, उस परंपरा को छोड़ दिया, और हम लोग केवल इसको भाग्य तक सीमित करते रहते हैं, और भाग्य के भरोसे बैठ करके हम लोगों ने सब कुछ मान लिया है कि भाग्य से ही सब कुछ हो जाएगा। जबकि भारतीय मनीषा ने सदैव कर्म को प्रधानता दी,
भगवत गीता भी नहीं कहती है कर्मणे वाधिकार रस्ते माप होने से पता चल क्यों हम यज्ञ से भागे। कर्म अगर हमारा प्रभावी है सकारात्मक है तो भाग्य हमारा प्रबल होता जाएगा, लेकिन अगर कर्म ही नहीं हम अकर्मण्य हो जाएंगे तो भाग्य हमारा कभी प्रबल नहीं हो सकता, अपने आप कमजोर हो जाएगा। लेकिन हमने उसको उसके साथ अकेले जोड़ करके उसके महत्व को कम करने का प्रयास किया और इस दिशा में आयुर्वेद ज्योतिष का इस सम्मेलन अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज दुनिया भारत की पराविद्या और अपराविद्या दोनों के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक है। उनके पास अपराविद्या के बारे में भी बहुत जानकारी नहीं, यद्यपि उन्होंने बहुत कुछ यहां से भेजा करके अपने यहां शोध प्रारंभ किया है, लेकिन इसमें जितना सही जानकारी हमारा भारत का ज्योतिषाचार्य भारत का अरविंदाचार्य मिलकर के दे सकता है दुनिया में कोई और नहीं दे सकता है। और मुझे लगता है उस शोध को विशिष्ट शोध को ही आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने महायोगी गोरखनाथ जी के नाम पर आयुष विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित किया और उसकी एक गोरखपुर की भूमिका चयन किया। दूसरा, इस दिशा में और भी कार्य हो, दुनिया की सबसे प्राचीनतम नगरी हमारी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी काशी, काशी में हम लोगों ने एक केंद्र स्थापित किया, उसका नाम है वेद विज्ञान शोध केंद्र। वेद और विज्ञान से संबंधित प्राचीन रहस्यों पर जानकारी लेने के लिए और उस शोध को बढ़ावा देने के लिए इस केंद्र की स्थापना की है, जिसमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय के साथ मिलकर के केंद्र और राज्य सरकार इस विशिष्ट शोध के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहती है, उस कार्यक्रम को हर प्रकार से प्रोत्साहित करना चाहती है। भाई बहनों, आप इस बात को देख सकते हैं, जब सकारात्मक शक्तियां एक साथ मिलकर के कार्य करती हैं तो परिणाम भी सकारात्मक आते हैं, बहुत गुणात्मक रूप से सकारात्मक परिणाम सामने आते हैं और आज परिणाम हम सबके सामने हैं। याद करिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने योग की परंपरा को वैश्विक मंच पर एक सम्मान दिलाया। हम योग के साथ बहुत पहले से जुड़े रहे हैं, लेकिन वैश्विक मंच पर योग की परंपरा को महत्व मिले और पूरी दुनिया 21 जून को योग के साथ जुड़े। आपने देखा होगा पूरी दुनिया आप उसके साथ जुड़ती भी दिखाई दे रही है। योग को दुनिया के साथ आप 21 जून को देखते होंगे, दुनिया के लगभग 200 देश योग के साथ जुड़ करके और भारत की इस प्राचीन परंपरा के साथ जुड़ करके अपने को न केवल भौतिक विषय बल्कि आध्यात्मिक जिससे भी उसको भारत की रहस्यों के बारे में जानकारी लेने की एक नई उत्सुकता देखने को मिली। 2019 में जब हम लोगों को प्रयागराज का कुंभ का आयोजन करने का अवसर प्राप्त हुआ, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कुंभ ऐसा होना चाहिए कि जो दुनिया की एक विशिष्ट घटना बने। कुंभ हजारों वर्षों से भारत के अंदर चार स्थानों पर आयोजित होता रहा, लेकिन कुंभ को हमने क्या बना दिया? गंदगी, अव्यवस्था, भक्कड़, इसका पर्याय कुंभ हो गया। लेकिन 2019 में जब प्रयागराज में कुंभ आयोजित हुआ, उसने स्वच्छता का, यानी सामान्य सी चीजें हैं, स्वच्छता, सुव्यवस्था और सुरक्षा का एक ऐसा मॉडल दिया कि पूरी दुनिया उसकी तरफ आकर्षित होने में दिखाई दी और यूनेस्को को भी प्रयागराज कुंभ के माध्यम से कुंभ के आयोजन को दुनिया की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में कुंभ के आयोजन को मान्यता देनी पड़ी, यूनेस्को को मान्यता देनी पड़ी।
पर निर्भर करता है। अगर हम स्वयं तक सीमित रखते हैं तो हम उसके साथ अन्याय कर रहे हैं। जब हम उसमें का एक विराट स्वरूप प्रस्तुत करते हैं तो विराट स्वरूप उसे वैश्विक मान्यता की ओर आकर्षित करता है। और आज भारत की इस अपराध विद्या को वैश्विक मान्यता दिलाने के लिए ही प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से चाहे वह योग को वैश्विक मंच पर स्थापित करने का हो, चाहे वह कुंभ के आयोजन को वैश्विक मान्यता प्रदान करने का हो, यह उसी परंपरा का हिस्सा है कि भारत की सकारात्मक ताकतें आज दुनिया के अंदर अपनी इस आध्यात्मिक ताकत का एहसास करा रहे हैं। और उस आध्यात्मिक ताकत के साथ जब पूरा भारत जुड़ता है तो भारत की ताकत बनती है। इसके परिणाम क्या है? इसके कई प्रकार के परिणाम हैं। परिणाम वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान आपने देखा होगा, कोरोना महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही, अभी समाप्त नहीं हुई, 2 साल हो चुके हैं। याद करिए 2020 में इस समय देश के अंदर लॉकडाउन, आज हम लोग इतनी बड़ी संख्या में यहां पर एकत्र हैं। भारत के अंदर 135 करोड़ की आबादी, भारत के अंदर स्वास्थ्य सुविधाएं यानी बुनियादी स्वास्थ्य का ढांचा यूरोप से और अमेरिका जैसे देशों से काफी कमजोर है, लेकिन कोरोना प्रबंधन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किस रूप में हुआ? भारत के अंदर इन 2 वर्षों में कोरोना से जितनी मौतें हुई हैं, भारत की 1/4 आबादी है अमेरिका की, और 1/4 आबादी में अमेरिका के अंदर भारत से लगभग दुगनी मौतें हुई हैं। अब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर महत्वपूर्ण है या फिर अपनी प्राचीन आयुर्वेद योग की विधा के साथ भारत के लोगों के अंदर एक नया उत्साह उमंग का वातावरण पैदा करके एक सकारात्मक पैदा करने का कार्य हुआ, उस कार्य के माध्यम से बेहतर कोविड प्रबंधन के माध्यम से रिजल्ट देकर के जो कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने किया है, ये दुनिया के लिए कौतुक और आश्चर्य का विषय बना हुआ है। क्या कि भारत ने इतना अच्छा परिणाम कैसे दुनिया सोच कर रही है, दुनिया के लिए सोच का विषय बना हुआ है। सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना, लगभग मौत के आंकड़े 2 वर्ष में दुनिया के अंदर 75 लाख क्रॉस करने जा रहे हैं, और उस महामारी से भारत के अंदर कितनी निश्चिंता के साथ हमारी पूरी दिनचर्या आगे बढ़ रही है। फ्री में भारत ही एकमात्र देश है दुनिया के अंदर जो फ्री में टेस्ट भी कर रहा है, फ्री में उपचार भी कर रहा है, फ्री में वैक्सीन भी दे रहा है, और किसी भी महामारी की सबसे बड़ी जो उसका साइड इफेक्ट होता था वह होता था कि महामारी के कारण भूख से मौत। और पहली बार है कि जब देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की व्यवस्था भी सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया गया। देखिए, हमने केवल बीमारी का उपचार ही नहीं किया, बीमारी से होने वाले दुष्परिणामों से बचाव करने के लिए भी उपायों को पूरा किया है, जिसके कारण एक सामान्य मानव के ऊपर भी, मानवीय के ऊपर भी किसी प्रकार का कोई संकट ना निकाले और उस संकट के निवारण की भी पूरी व्यवस्था कर दी। दूसरा उदाहरण आपके सामने है, वर्तमान में रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, हजारों लोग मारे गए, दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी ताकतें हैं और सभी में हरेक में होड़ है अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए, लेकिन दुनिया का हर नेता और हर देश किसकी ओर देख रहा है? भारत की ओर देख रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर देख रहा है कि उनके द्वारा मध्यस्थता होने के बाद भी ये शांति आ पाई है। भारत की बढ़ती हुई ताकत,
भारत की सकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा परिणाम है। और इस सकारात्मक ऊर्जा जब भी समाज में रहेगी, उसके परिणाम इसी सकारात्मक भाव के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। गोरखपुर में खुलने वाला आयुष विश्वविद्यालय हो या काशी की धरती पर स्थापित हुआ वैदिक विज्ञान केंद्र हो, ये भारत की अपरा विद्या के विशिष्ट स्रोत को आगे बढ़ाने के विशिष्ट माध्यम बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और मेरा यह मानना है, हमारे जितने भी यहां आयुर्वेदाचार्य हैं और ज्योतिषाचार्य हैं, मेरा उन सबसे इस बारे में अनुरोध होगा, हम लोगों को अपने शोध के दायरे को बढ़ाना होगा, उसमें अपने विशिष्ट शोध पत्र प्रस्तुत करने होंगे। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मैगजीन में या नहीं है तो उस प्रकार की मैगजीन और उस प्रकार के पब्लिकेशन को आगे बढ़ाने की तैयारी करनी होगी। और अपनी इन विधाओं को दुनिया के सामने संजीव बनाए रखने के लिए सामूहिक रूप से एक टीम भावना के साथ काम करना होगा। इसके बेहतर परिणाम आएंगे, बेहतर परिणाम सामने आएंगे, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आज दुनिया इन सब के पीछे आना चाहती है, क्योंकि जब भी विश्व मानवता को, क्योंकि हमारे यहां हमने जीवन का लक्ष्य केवल जन्म लेना, जन्म लेकर के केवल कोई पद प्राप्त करना नहीं है, खाना पीना और मौज मस्ती हमारे जीवन का उद्देश्य कभी नहीं रहा, वो जीवन का एक पड़ाव हो सकता है, पद और प्रतिष्ठा जीवन का एक पड़ाव हो सकता है, लेकिन अंततः भारत का हर मनुष्य अपने जीवन का परम लक्ष्य क्या मानता है, वो मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति, जीवन में मुक्ति की प्राप्ति, मोक्ष प्राप्त हो उसे, उसकी अलग अलग नाम उसके हो सकते हैं, परिभाषाएं अलग अलग हो सकती है, यह उसका लक्ष्य होता है, उसे कैसे प्राप्त करें, ये उसका लक्ष्य है। और चिर शांति की जो हमारी अभिलाषा है, जो हमारी कामना होती है, हमने जीवन को भी चार पुरुषार्थों में विभाजित किया है, धर्म को पहला माना है और मोक्ष को चौथा माना है, इसके बीच में हमने पूरे जीवन के चक्र को उसके साथ जोड़ दिया है। धर्म का जितना महत्व है उतना ही अर्थ का भी है, जितना अर्थ का है उतना ही काम का भी है, जितना काम का होगा उसी प्रकार से चौथे उसमें हम लोगों ने मोक्ष के साथ उसे जोड़ा है। अलग अलग व्यक्ति के लिए, अलग अलग प्रकृति के लिए उसके अर्थ अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमने कभी अपने को यह नहीं कहा कि हम स्वर्ग प्राप्ति करेंगे, कभी नहीं, भारत ने कभी यह नहीं कहा, भारत की भारतीय मनीषा ने कभी इस बात को नहीं कहा, कभी नहीं कहा कि हम स्वर्ग में जाएंगे, वहां का उपभोग करेंगे, भोग को तो हम लोगों ने माना नहीं, हमने तो योग को मान्यता दी, भारतीय मनीषा भोग को नहीं योग को मान्यता देती है, और उस योग की परंपरा के साथ हम जुड़े हुए हैं। और मुझे लगता है कि जब योग की परंपरा को वैश्विक मान्यता मिलती है तो भारत के लिए गौरव का दिवस होता है, गौरव का क्षण होता है, प्रत्येक भारतीय के लिए गौरवान्वित होने का क्षण होता है, क्योंकि वह हमारे मूल प्रवाह के साथ हमें जोड़ने का एक कार्यक्रम है, और यह परंपरा उसी प्रकार की है, यह व्यवस्था वही है जो हम लोग इसके माध्यम से आगे करना चाहते हैं। और इसीलिए सामूहिकता की ताकत हमें वैश्विक रूप से मजबूत प्रदान करेगी, भारत की अपरा विद्या के बारे में भी और अपरा विद्या को भी वैश्विक मान्यता प्रदान करने के साथ साथ विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने में यही सफल हो सकता है, अन्यथा विश्व मानवता के सामने स्वयं के अस्तित्व का एक संकट खड़ा होगा, और अस्तित्व का संकट से बचाने के लिए हमारे यहां से सामूहिक प्रयास अगर आगे बढ़ेंगे तो हम उस कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। अमर उजाला सरकार ने गाइडलाइन के साथ मिलकर के यह ज्योतिष आयुर्वेद का महासभा समागम आयोजित किया है, मैं इसके लिए अमर उजाला परिवार को और गाइडलाइन को हृदय से धन्यवाद देता हूं।
जितने भी हमारे वित्ताचार्य आयुर्वेदाचार्य इस महासमागम में यहां पर उपस्थित हुए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग अपने विशिष्ट शोध को आगे बढ़ा करके अब केवल भाग्य रेखा देखने तक नहीं बल्कि अब उससे आगे के दायरे को हमें और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है सब भी आपके पास है, सब हमारे पास पहले से मौजूद है, सब कुछ है। हमारा पंचांग की भी एक एक गणना इस बारे में बता देती है, हम उस विशिष्ट शोध को आगे बढ़ाने में सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे। आप सबके इस महान समागम की ये मैं आप सबको हृदय से यहां पर आगमन पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, इस पूरे आयोजन की प्रत्येक की शुभकामनाएं देता हूं। और इस प्रकार की विधाओं को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार का पूरा सकारात्मक सहयोग सदैव रहेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।